नमस्ते, कृतिका किचन में आपका स्वागत है। आज हम बची हुई ब्रेड से ब्रेड कतली बनाएंगे। यह कतली खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आइए शुरू करते हैं बनाना। ब्रेड कतली बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कुछ बची हुई ब्रेड ली हैं। हमने बीच के हिस्से ब्रेड का रेसिपी बना ली थी, आपके साथ शेयर भी किया है मैंने उसे। और ये बची हुई किनारियाँ हैं, इन्हें मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। कई रेसिपीज़ बनती हैं इस तरह की, किनारी बच जाती है या ब्रेड बच जाती हैं, थोड़ी सूखने लगती है वो, तो आप कई तरह की उसकी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपीज़ बनती हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी रेसिपीज़ को। मैंने ब्रेड को पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। कुछ इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। और हमने यहाँ पर 2 कप पिसी हुई ब्रेड ली है और 1/2 कप लिया है हमने मैदा और 1 कप लिया है चीनी और 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर और 1 चम्मच है कोको पाउडर। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। नॉर्मल वही चम्मच लेनी है जो घर में हम चावल खाने में यूज़ करते हैं। और घी को गरम कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। घी गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप मैदा और मैदा को हम भून लेंगे। बहुत जल्दी भुन जाती है मैदा, 1 मिनट लगेगा। इसे हम चलाते हुए मैदा को भून लेंगे। अच्छी खुशबू आने लगेगी, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। हमें चलाते हुए भून लेना है इसको। बहुत जल्दी बन जाती है मिठाई और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप जिसे भी खिलाएंगे कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है। इतनी टेस्टी लगती है ये मिठाई। मैदा भून चुकी है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड जो हमने पीस ली थी। अब इसे भी हम 1 मिनट भून लेंगे ताकि जो ब्रेड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ब्रेड भून चुकी है, अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और इसे भी हम चलाते हुए 1/2 मिनट भून लेंगे। अगर इस तरीके से मिल्क पाउडर को मिठाई में डालकर भूनकर बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्क पाउडर का, फिर वो मिठाई चिपकती नहीं है, बहुत अच्छी बन जाती है। तीनों चीज़ें भून चुकी हैं, अब हम डाल देते हैं कोको पाउडर और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। कढ़ाई अभी हमारी गर्म है, अब मिला देते हैं कोको पाउडर को। इसे मिलाने के बाद अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे ताकि जो इसमें थोड़ी थोड़ी गांठें रह गई हैं वो अच्छे से पिस जाएंगी और सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएगी। अब इसे हम पीस लेते हैं मिक्सर जार में डालकर, ठंडा करने के बाद पीस लेंगे इसे। जब तक हम बना लेते हैं चाशनी, हमने सेम कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप चीनी। हमें तार वाली चाशनी बनानी है, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1/2 कप पानी और हम इसे चलाते हुए तार वाली चाशनी बना लेते हैं, पका लेते हैं इसको। चाशनी आप थोड़ा ध्यान से ही बनाएं, इसकी चाशनी पतली नहीं बननी चाहिए, हमें तार वाली चाशनी बनानी है जब ये मिठाई अच्छी बनेगी, वरना अगर आप पतली रखेंगे चाशनी तो चिपकेगी मिठाई। चाशनी बन रही है जब तक हमने प्लेट में लगा लिया है घी, ग्रीस कर लिया है प्लेट को और इसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे कोकोनट पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोकोनट पाउडर का और मिठाई देखने में अच्छी लगती है। आप इस तरीके से डस्ट कर कर प्लेट में मिठाई को जमाइए, बहुत अच्छी बनती है। अभी हमने प्लेट अच्छे से सेट कर ली है, अब चाशनी भी हमारी बन चुकी है तार वाली। अच्छा, इसमें तार खींचने लगा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम जो हमने पीस लिया है। दोबारा से अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिल चुकी हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। ब्रेड जैसे ही चाशनी में डालेंगे सॉफ्ट हो जाएगी,
और अच्छे से इसे मिला देते हैं चलाते हुए। सारी ब्रेड डाल देंगे इसके अंदर और मिला देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है हमें, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी सॉफ्ट इसमें मिल जाएगी चाट। अब इसे हम जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। जैसे ही ब्रेड सॉफ्ट होती जाएगी, इसमें मिलती जाएगी, ब्रेड सॉफ्ट होती जाएगी। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अच्छे से मिल चुकी है ये चाशनी के अंदर। अब इसे हम गैस पर से उतार लेंगे। अभी कढ़ाई गरम है। इसी तरीके से हम चलाते हुए पूरी ब्रेड अच्छे से मिला देते हैं ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हमने इसे गैस पर से उतार लिया। अब इसे हम प्लेट में सेट कर लेंगे। फैला लेते हैं, एकदम पतला पतला फैला लेंगे। बहुत जल्दी ये एकदम सेट हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी इसे फैलाना है। इसे अब हम स्पैचुला से दबाते हुए पूरे में फैला देते हैं, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी सेट हो रही है ये। अब इसे हम अच्छे से फैला देंगे किसी कटोरी की सहायता से। इस तरीके से हम इसे फैलाकर प्लेन कर देंगे ऊपर से, ताकि अच्छी कतली बन के तैयार हो इसकी। फ्लैट किन तली वाली आपको कटोरी इस्तेमाल करनी है। अब इसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पे डस्ट कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हम कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसके पीस कट कर लेंगे। कटोरी से दबा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए इसमें। और इसके गरम गरम में ही हम पीस काट लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद पीस काटना सही नहीं होगा, वो सही नहीं कटेंगे। अभी हम काट देते हैं इसके पीस। जैसे आप चाहें उस तरीके से काट सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप पीस पसंद करें काटना। ये हमने कुछ इस तरीके से इसके पीस काट लिए हैं। सभी पीसों को हमने काट लिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये ठंडी हो जाएगी, तब हम इनके पीस निकालेंगे। ये हमने अच्छी पतली जमा ली है। ये अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं अच्छी टाइट हो गई है ये। अब इनके हम पीसों को निकाल देते हैं। बहुत आराम से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी ये चिपके नहीं हैं, कितने आसानी से निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। हमने इसके नीचे भी प्लेट पर भी कोकोनट पाउडर डस्ट कर दिया था, वो भी इतना अच्छा लगता है देखने में। जब ये पीस एकदम ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ी ठंडी हो जाती है, तो वो वाइट ऊपर नीचे देखने में इतनी अच्छी लगती है, और कितनी पतली बनी है आप देख सकते हैं। ये ब्रेड कतली खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, ना ही ये चिपचिपी है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। बहुत अच्छी बनकर ये तैयार होती है। देखिए आप कितनी अच्छी पतली ये बनकर तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस तोड़कर, कितना अच्छा ये सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ब्रेड कतली की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ को आप देख सकें। थैंक यू।